नमस्कार, फिर एक बार मिलते हैं राग परिचय में। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित राग, हंस ध्वनि। ये इतना प्रचलित है कि मेरे ख्याल से इसको समझने में हमें किसी गाने का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं राग हंस ध्वनि। हमने देखा था कि बिहाग से शंकरा कैसे बन रहा है। एक सुर कम करके शंकरा बन गया बिहाग में। बिहाग में से हम मध्यम निकाल दिए तो जो बचा उससे हमें शंकरा मिला। और तभी हमने कहा था कि इसी शंकरा में से अगर एक सुर और निकालते हैं तो जो बचेगा वो हंस ध्वनि है। देखते हैं कैसे हो रहा है। शंकरा था, निषाद और गंधार दोनों का प्राबल्य था शंकरा में। निषाद और गंधार की जो जोड़ी है उसको ध्यान में रख के शंकरा और बिहाग भी गाया जाता है। अब इसमें से हम धैवत को निकाल देंगे। जो धैवत, ये जो नी और प के बीच में जो धैवत लग रहा है उसको अगर हम निकाल दें तो पांच सुर बचेंगे, वो बनेगा हंस ध्वनि। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जो फोकस हमारा गंधार निषाद की जोड़ी पर था उसको हटा के अब हमें पंचम ऋषभ की जोड़ी सामने लानी है। वो कैसे होता है? शंकरा में क्या हो रहा था? गंधार लंबा हो रहा है और ऋषभ को लग के आ रहा है। अब गंधार छोटा हो जाएगा और ऋषभ बड़ा हो जाएगा। हो गया हंस ध्वनि। ऋषभ का प्राबल्य बहुत दिखना चाहिए हंस ध्वनि में। गंधार ऋषभ से काफी कम होगा। निषाद गंधार की जो जोड़ी है उसके बजाय अब हम फोकस करेंगे पंचम और ऋषभ की जोड़ी पर। रे जो हो रहा है वो बीच में छोटा सा हम पंचम को स्पर्श करके आ रहा है। ग परे सा, ये है हंस ध्वनि का, जिसको हम कहते हैं कैच फ्रेज है। इसमें जान है हंस ध्वनि की। पंचम भी काफी महत्व रखता है, ऋषभ के साथ जुड़ा हुआ है। पंचम
फिर जाके पंचम पे न्यास होगा ऊपर जाने के लिए। निषाद कंधार दोनों कम लग रहे हैं, कम समय के लिए लग रहे हैं। बहुत प्रचलित है हंस ध्वनि, काफी सुनते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ज्यादा सुना जाता है। इसकी धुन अपने मन में समा गई है। मैं तो सोचता हूँ हर राग के साथ में यही होना चाहिए। पूरा हंस ध्वनि बहुत ऊपर की तरफ ज्यादा अच्छा लगता है। एक बंदिश सुनते हैं, बहुत अच्छी बंदिश है। मेरे ख्याल से ये मेरे जीवन की पहली बंदिश है बांसुरी पर जो मैंने बजाई थी। पता नहीं कितने साल हो गए हैं। सुनते हैं।
तो ये था हमारा सबका बहुत परिचित राग हंसध्वनि। राग परिचय श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम इस श्रृंखला से अगले 4 हफ्तों के लिए एक ब्रेक लेंगे। रागस्फीयर के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाएं। आप अगर हमारी वेबसाइट www.ragasphere.com पर जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ मिलेगा। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऑनलाइन कोर्स जिससे संगीत समझने में और संगीत की प्रैक्टिस करने में बहुत सहायता होगी। ये जो कोर्स है वो खास करके श्रोताओं के लिए बनाया गया है। विद्यार्थियों को तो उसका लाभ होगा ही, लेकिन श्रोताओं के लिए मेरा ये मानना है कि जितना समझना जरूरी है, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें कि जो समझे हैं उसको अपने गले से निकालने की कोशिश करें, थोड़ा सा अनुभव लें कि ये क्या चीज़ है, तो उसका काफ़ी फायदा होता है। हमारे इस कोर्स में हम यही करेंगे, एक एक करके एक एक संकल्पना समझते जाएंगे और उस संकल्पना का खुद अनुभव लेने के लिए कोर्स में जैसे बताया गया है, हम खुद गाने का या अपने वाद्य पे उसे बजाने का प्रयास भी करेंगे। ये कोर्स लॉन्च हो रहा है 25 अगस्त को। उसके बाद सितंबर में जो पहला रविवार आएगा उस दिन से हम अपना राग परिचय फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस दौरान अगले पूरे महीने मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आपको डिटेल्स बताते जाऊँगा कि ये कोर्स कैसे हो रहा है और हम बात करते रहेंगे।